मैंने भी आप लोग को बोला इस क्वेश्चन को रीड करने के लिए, एग्जाम्पल फोर को, ज्यादातर बच्चों ने कैसे रीड करा, विच टर्म ऑफ द एपी 21-18-15 डाटा डैश डोंट, क्या क्या कल एक वॉर्न करा था, क्या नहीं करना कभी भी, सीरीज एपी सीरीज कभी रीड नहीं करनी. विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, यानी इसको इसके साथ मिला के, कुछ बात समझ आई, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, कौन सी टर्म -81 होगी. बाद में एपी को अलग से रीड करो, एपी सीरीज सॉल्व करते वक्त रीड करना, क्या है एपी मेरा 21-18-15 एंड सो ऑन, राइट. तो एक बार दोबारा रीड करते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, इस सीरीज में -81 कौन सी टर्म है, बोलो पहला पॉइंट क्लियर, यस और नो, ओके. ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, इसके बाद में करेंगे. तो सबसे पहले मेरे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस सीरीज में गिवन क्या क्या हुआ, मेरे को क्या क्या चीजें मिल रही है. ए मिल रहा है, ओके, ए कितना है 21, और डी, डी कितना है बच्चा, मेरे को पता डी कितना है -3, डी 3 नहीं है बेटा, कितना है -3. केशव गलत भी बोल रहे हो ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा और मैं कुछ कहता नहीं हूं, मैं किस पे कहूंगा हमेशा आपको, डांटूंगा किस पे, जब आप ट्राई नहीं करोगे, तो ट्राई करो, गलत कोई बात नहीं, गलत क्यों सही हम करेंगे. चलो डी कितना मेरे बच्चा -3, डी का फॉर्मूला कैसे होता है वो बता देता हूँ, डी होता है A2 - A1, यानी 18 - 21, खुद बताओ सीरीज बढ़ रही है घट रही है, तो -3 राइट, तो ए आ गया डी आ गया. अब क्वेश्चन पे आते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, कौन सी टर्म -81 है, ओके. तो निकालना क्या है मेरे को, यहाँ पर एन निकालना है, जब वो पूछे ना विच टर्म फाइंड द टर्म्स, तो टर्म अकेला मतलब होता है एन, क्या होता है मेरे बच्चा, समझ नहीं आया लग रहा है, एन निकालना है, और जब एन निकालना तो एन गिवन होगा 81. तो ये बात नहीं समझ आई मेरे को, है ना बेटा, लो दोबारा समझाते एक बार, इसको ध्यान से समझना, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, इस एपी के अंदर -81 कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, वो ये चीज पूछ रहा है, बोलो पहला पॉइंट क्लियर, यानी एन निकालना है, टर्म मतलब एन, पोजीशन निकालना है, बोलो यहां तक क्लियर. सेकेंड थिंग, तो गिवन क्या हुआ, -81 क्या है, ए एन, क्लियर. मैं भी ये लिखवा दूंगा कि कब एन निकालना था कब ए एन, कंफ्यूजन होती है बच्चों को सबसे ज्यादा, तो कैसे करूं सर, सेकंड पार्ट बाद में, क्या करूं, इस चैप्टर में कभी दिमाग मत लगा, नहीं फॉर्मूला ही लगाना है, शुक्र है मेरे को मित्र कह रहा है दिमाग मत लगाना, से दिल लगाना, बिल्कुल सही कहा बेटा, क्या फॉर्मूला ही लगाना है, ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट, ए एन कितना है -81, ए कितना है 21, प्लस एन माइनस वन डी कितना है -3, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ पे पूछा गया कि ए एन अगर -81 है तो एक बड़ी बच्चा कहता है ए को डिवाइड कर दो, है ना बेटा, सुनो सुनो, ये इस तरह नहीं है कि ये ए बाय एन है या ए इंटू एन है, ये बेसिकली एक सिर्फ नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है हमारी, पॉइंट क्लियर. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने एक क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा था ax प्लस by प्लस c वाला, कुछ याद है कोई चैप्टर था, कौन सा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पर हम पढ़ते थे a1x b1y c1 a2x b2y c2, याद है कुछ, तो यहाँ पे क्या टू रिप्रेजेंट करते डिवाइड को, पॉइंट क्लियर. तो वापसी आते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू डाली, इसको इधर शिफ्ट करो, कितना हो जाएगा -102, -3 एन -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्यों हुआ वो बता दूं, ये -3 यहां पर रख के डिवाइड, कितना हो गया सर एन माइनस वन इज 34, एन की वैल्यू कितनी आ गई सर 35, बोला पहला पॉइंट क्लियर.
तो यानी इस सीरीज में 35 पोजीशन पे क्या आएगा? -81। बोलो यहां तक क्लियर? अब आगे क्वेश्चन ने पूछा है क्या मतलब ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, मतलब क्या कोई ऐसा नंबर है जहां पर जीरो आ सके, कोई ऐसी पोजीशन है? तो यहां पे भी क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या निकालना होगा बेटा? अगेन एन निकालना है, एन निकालना है इस बार, और इस बार ए एन क्या है? जीरो। पॉइंट क्लियर? अभी आप ऐसे कई बच्चों कंफ्यूजन होगी और वो फिर भी अपना डाउट नहीं पूछ रहे, जैसे वहां एक कंफ्यूजन लिखी हुई है फेस पे, वहां लिखी हुई है फिर भी नहीं पूछा गया। पूछो अपने डाउट्स, बोलो बेटा क्या आया? तो चलो नो बोलने से पहले ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन डी। अच्छा किसी दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा कि सर ये यहां पर अभी ए एन तो सर -81 था, अब ये सर जीरो हो गया, ऐसा तो नहीं आ रहा किसी दिमाग में? आप क्या आ रहा है? ओके बेटा इसका सिंपल सा है, ए एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सीरीज में आने वाला नंबर, सीरीज में -81 भी आएगा, सीरीज में जीरो भी आता होगा। पॉइंट क्लियर? तो हर बार चेंज क्या हो रही है उसकी पोजीशन, पोजीशन बदली नंबर चेंज। क्लियर? ए प्लस एन माइनस वन डी क्या कर दो? जीरो। ए कितना बेटा? 21। प्लस एन माइनस वन डी कितना? माइनस थ्री। ओपन करो 21 माइनस थ्री एन प्लस थ्री, 24 माइनस थ्री एन, माइनस थ्री एन इज इक्वल्स टू माइनस 24, एन की वैल्यू 8। तो यानी 8th पोजीशन पे जीरो आएगा और 35th पोजीशन पे -81। बोला यहाँ तक क्लियर हुआ? बिना देखे से खुद बहुत अटेम्प्ट करो। उसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ वो करके दिखाओ आपको, फिर अच्छे से क्लियर होगा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। पहले से नोट करो जल्दी से, आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। एपी की कौन सी टर्म 78 होगी? सेम पिछले जैसा ही है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दूंगा, 5 पे दूंगा। तो ये सीरीज है बेटा, इसमें क्या क्या चीजें निकालनी है, क्या गिवन है? ए इक्वल्स टू 3 और डी 5, शाबाश। ये 78 क्या है? ए एन। कंफ्यूजन आपको, आपने कोई ए 78 तो नहीं निकाला? अभी आपको आगे चल के कंफ्यूजन आएगी कि सर कभी एन निकालने को बोलेगा कभी ए एन बोलेगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? वैसे आज एक स्टूडेंट ने ये बात डाउट में पूछी थी कि ये सर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता मेरे से, उसकी टेक्निक भी बताऊंगा ठीक है। तो एनीवेज एन निकालना है, हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जोर दूंगा, ये तो आप इजिली कर लोगे। 5 का फर्स्ट पार्ट तो किससे पूछते हैं? आदित्य ऑनलाइन में आप बताइए मेरे को, एंड नहीं आदित्य नहीं गर्व बताएगा ऑनलाइन में, एंड ऑफलाइन में मेरे को, यू वांट टू ट्राई? ओके गिव इट अ ट्राई। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन में बोला क्या पहले एक बार रीड कर लो, पढ़ो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सर मतलब क्या हुआ नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब? इसके डालने से कोई बोलेगा ऐसे क्यों नहीं बता सकते? ऑनलाइन में बताए बेटा क्या है? हाँ जी, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। केशव क्या निकालना है ऑनलाइन में, बोलो। गर्व आप बोलो, हाँ निकालना क्या यहाँ पे क्वेश्चन 5 में? एन निकालना है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने हैं। मैं आपको याद दिला दूं, एन को हम नंबर ऑफ टर्म्स भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स बोलू या टर्म्स बोलू बात एक ही है। पॉइंट क्लियर? तो क्वेश्चन पे आते हैं वापसी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है यानी क्या निकालना है? एन। इस सीरीज में गिवन क्या क्या है? ए है 7, डी है 6। अब एक मिनट केशव आपकी टर्न है, क्या कैसे निकाल सकता हूं? नहीं कैसे निकाल सकता हूं
डी वो हमने रख दिया, आगे बताओ उसको क्या करना है। एनीवन एल्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उनको समझ आ चुका है वैसे। यस बोलिए हिमांशी। बेसिकली मैं काम ना करूं क्या करना चाहिए, रुद्र आपको टर्न दे रहा हूं। किसके एक पल रखूंगा, बिल्कुल भाई सिंपल सी बात है। मैं ये पूछ रहा था कि अगर मेरे को ये निकालना है कितनी टर्म्स है, तो एक काम करूं लास्ट वाले की पोजीशन निकाल लूं, मेरे को ये पता लग जाए लास्ट वाला जो नंबर है उसकी पोजीशन क्या है, तो ये पता लग जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, आओ आओ आपको एक स्टोरी सुनाते छोटी सी। मान लो मेरी क्लास में कुछ बच्चे ठीक है 1000 में है, ज्यादा नियम कर रहे एक बैच में, राइट। बच्चा घोष कर क्या बात है, पहले कमाइयों के हिसाब नहीं लगाएगा कोई भी ठीक है। मान लो हम कहते हैं कुछ 1000 में बच्चा ज्यादा नहीं, 7-8 हज़ार रखते हैं उसके बीच में है। अब क्या हुआ, अब बच्चे बैठे हुए तो रोल नंबर वाइज बैठे हुए, अब मेरे एक मेरा असिस्टेंट आया, इसको बना लेते यश को ठीक है। अब ये कहता सर मैं तो आज अटेंडेंस लेनी भूल गया, मेरे को यही नहीं पता बच्चे कितने होगा बैच में। अब क्या करना चाहिए, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि लास्ट वाला बच्चा सबसे आखिरी में, हाँ भाई पीछे खड़े हो जाओ, बताओ आपका रोल नंबर क्या है, पूछूं। अगर उसका रोल नंबर पता लग जाए लास्ट वाले बच्चे का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैन आई फाइंड कि मेरे पास कितने बच्चे हैं, यस सर नो। तो सेम ये पॉइंट यहाँ पे भी हो रहा है, अगर ये पता लग जाए लास्ट वाला नंबर इसकी पोजिशन क्या है, तो मेरे को पता लग जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। बोलो क्लियर। ए एन कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, 205 लगा दो। ए प्लस एन माइनस वन डी 205। ए कितना बेटा 7 प्लस एन माइनस वन डी कितना 6। सॉल्व कर दो सर, 6n+1 6n की वैल्यू 204, n की वैल्यू कितनी आ रही है सर 34। बोलो क्लियर। बोलिए 7 बीच में क्या लगाया, मैंने ब्रैकेट खोल दिया 7+6n-6 डायरेक्ट कर दिया, क्लियर। अब एक छोटा सा नोट, एक मिनट बच्चे कह रहा 6 बेटा माइनस वन से हुआ था, एक्चुअली मैंने क्या करा, मैंने 7n+6n-6 था ना, 7+6 यही था ना बेटा, तो मैंने 7-6 एक साथ ही कर दिया, तभी वो प्लस वन आया है। चलो आगे एक नोट, एन पोजीशन कभी भी नेगेटिव हो सकती है। आपने आज तक सुना कि आपकी क्लास में किसी बच्चे की पोजीशन -3 आई हो, हाँ सुनिए देखी भी है, कमाल की बात है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अच्छा यही था, नोट ध्यान सुनो, पोजीशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी रेस में माइनस में कोई नहीं आता, तो पहला पॉइंट। अच्छा कि पोजीशन कभी पॉइंट में हो सकती है, 2.5 3 पोजीशन पॉइंट में हो सकती है। एक मिनट आपकी पोजीशन क्या है 1, आपकी क्या है 4 ठीक है, मैं पीछे जा ही नहीं रहा। अभी बताओ ये 1 और 4 इसके बीच में 4.5-3.5 वाला ढूंढ के दिखाओ, 3.5। अब ये मत करना कि आधा नित्यांश आधा इशराज जोड़ दिया, पॉसिबल है, कुछ सोच के बताओ। ये फर्स्ट पे बैठा हुआ है, ये फोर्थ पे बैठा हुआ है, सब बीच में क्या करके 3.5 इनको मिला दो, इनका भी आधा, पॉसिबल है ना, बस। चलो तो ध्यान रखना एन मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, एन हमेशा क्या होगा नेचुरल, क्या जीरो पोजीशन हो सकती है इसकी, नहीं, एन मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, तो एन हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। और नेचुरल कौन से होते हैं, यानी 1 से 1, 2, 3 और जो पॉइंट में नहीं आते, दैट इज एन कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी एन क्या नहीं हो सकता नेगेटिव, और इन फ्रैक्शन और 0। बोलो पॉइंट क्लियर। चलो
अब मैं एग्जांपल कराऊंगा, एग्जांपल नंबर सिक्स। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स। पढ़ो एक बार ये क्या कहता है। हाँ जी पढ़ो क्या कहता है। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, मतलब क्या हुआ, मीनिंग कौन एक्सप्लेन करेगा। हाँ वो कहता है क्या 301 इसमें आता है, मैं पूछ रहा क्या 301 इसमें एक पार्ट आता है। तो कैसे चेक करोगे कोई चीज आती है नहीं आती, उसकी पोजीशन। बिल्कुल सही कहा, पोजीशन निकाल लो भाई। अगर मान लो उसकी पोजीशन आ रही है 10, पार्ट होगा यस। उसकी पोजीशन आ रही है 12.5, पार्ट होगा नो। पॉइंट क्लियर, यस और नो। अच्छा मैंने नितराश बोला तो नितराश है हमारे पास कोई, आधा इशराज और आधा नित्यांश हो सकता है, नहीं है ना। तो देखो अब सबसे पहली मिस्टेक, अगर क्वेश्चन आ गया आधा नंबर कट, स्टार्ट होते ही कट, पूछो क्यों सर क्या एपी सीरीज है ये। एपी तो है, क्वेश्चन ने एपी बोला ही नहीं। देखो सबसे पहली चीज 5, 11, 17, 23, तो सबसे पहले मैं ये बात लिखूंगा इट इज एन एपी। ये क्या है, ये एपी है ना, सबसे पहली चीज लिखनी, क्योंकि क्वेश्चन ने यहाँ पर कहीं पे भी एपी मेंशन नहीं करा। नोटिस करो यहाँ पे करा हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ एपी है, यहाँ पे कहीं पे बोला ये एपी है। चेक क्या करना वैसे देख ले डायरेक्टली, छह छह का गैप है, सीधा लिख दे टीचर एपी राइट। अब क्या निकालना है, एन निकालना है किसका, 301 का ए एन दे रखा है, एन निकाल लो। डी 6 ए 5 लगाओ फॉर्मूला, ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना 301, ए कितना 5, एन माइनस 1 डी कितना 6। ओपन करो ब्रैकेट, ओपन करो डायरेक्टली 5 माइनस 6 6 एन माइनस 1 इधर शिफ्ट कर दो 301 आपका हो जाएगा 6 एन माइनस 1 तो 6 एन हो गया 302, एन कितना हो गया 302 बाय 6 151 बाय 3। हाँ जी एन है बिकॉज एन मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, एन क्या होना चाहिए हमेशा एक नेचुरल नंबर, देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। बोलो बेटा पॉइंट क्लियर, होमवर्क टाइम। अभी कोई क्लास लीव नहीं करेगा। एग्जाम्पल 4, 5, 6 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक 16, 18, 19, 20 बेटा देखो एक बात सुनो, ये होमवर्क आपको ज्यादा लग रहा होगा, सुन लो ये 10, 1 से 10 आपसे हो जाएंगे, 16 और 18 ये ट्राई में है, 19 हटा दिया